उत्तर प्रदेश का नाम पूरे विश्व में विख्यात है। प्रदेश ने भाजपा सरकार के नेतृत्व में कई कीर्तिमान हासिल किए हैं, जिनमें से एक है अयोध्या का राम मंदिर। 5 अगस्त 2020 को देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अयोध्या में श्री राम मंदिर का भूमि पूजन किया और विकास कार्यों की सौगात दी। ठीक उसी तर्ज पर अब उत्तर प्रदेश सरकार श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा का भी विकास करना चाहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने मथुरा और वृंदावन में श्री कृष्ण जन्मस्थल के 10 वर्ग किलोमीटर के दायरे को तीर्थ स्थल घोषित कर दिया है। सनातन धर्म के विकास के लिए प्रतिबद्ध भाजपा सरकार अयोध्या के बाद मथुरा के विकास कार्यों में जुट गई है। योगी जी ने मथुरा को तीर्थ स्थल घोषित करने के साथ ही उस क्षेत्र में मांस और शराब बंदी की भी घोषणा कर दी थी, जिससे संतों और स्थानीय लोगों ने खुशी जताई है। ब्रज में आने वाले लाखों श्रद्धालुओं की आस्था को देखते हुए योगी जी ने यह फैसला लिया है। योगी जी ने कहा कि अयोध्या, मथुरा और काशी हमारी पहचान है। अयोध्या में राम मंदिर बनने से खुश हैं और अभी काशी में भगवान विश्वनाथ का धाम भी भव्य रूप से बन रहा है और फिर मथुरा वृंदावन कैसे छूट जाएगा। डबल इंजन की भाजपा सरकार ने मथुरा के ब्रज क्षेत्र के विकास के लिए 411 करोड़ की सौगात दी है और इसी कड़ी में 10 नवंबर को योगी जी ने मथुरा में ब्रज रज उत्सव का उद्घाटन कर जनसभा को संबोधित किया। भाजपा सरकार के कुशल नेतृत्व, क्षमता और कार्यशैली को देखते हुए आज जन जन की बस यही पुकार है, सोच ईमानदार, काम दमदार, फिर एक बार भाजपा सरकार।